सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज संडे है तो हमारा थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि संडे है तो आज छुट्टी है तो सबको लेट हो गया। लेट क्या हुआ, फिर भी 8:30, और 8:30 तक हमारा नहाना पूजा करना सब हो गया। नवीन वॉशरूम में पीहू साइकिलिंग पे गई है, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में थोड़ा साइकिलिंग कर लेना चाहिए, तो पीहू गई है साइकिलिंग पे। और बिल्ली आई, रख दिया चाय और बनाती हूँ चाय। और हमारा डेली रूटीन ब्लॉग भी रहता है, हम बहुत बाहर जाने का मौका मिलता है, टाइम नहीं रहता, एक दिन तो संडे मिलता है उसमें भी टाइम नहीं मिलता है। चाय बना के फिर मिलते हैं। बालों में हल्दी, अरे सॉरी हल्दी बोल रही हूँ, अंडा और दही लगाया है मैंने, अंडा दही और हिना मेहंदी लगाया है, कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको बोला भी तो मैं संडे को लगाऊंगी, तो आज मैंने लगाया, देखती हूँ क्या कुछ असर होता है क्या। इतने बाल झड़ रहे हैं, मैंने सारे शैम्पू यूज कर लिए फिर भी बाल झड़ रहे हैं। अभी मैंने सोचा ये करूँगी और मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी, सिर्फ कड़ू का तेल लगाऊंगी और ये लगाऊंगी, और सब कुछ छोड़ना है मुझे, सब कुछ लगाती तो नहीं है, सिर्फ शैम्पू ही लगाती हूँ। कभी वाओ का मामा अर्थ भी यूज किया, वाओ भी यूज किया, अभी कैरेटिन का वो भी है, देखती हूँ कुछ फर्क होता है कि नहीं, देखती हूँ। और कैसी लग रही है आपको प्लीज़ कमेंट में बताना। एक ही लगी है ये लड्डू गोपाल का, हमने यहाँ पे लगाया, मेरे रूम में लगा हुआ है लड्डू गोपाल का। तीसरी ये लगी हुई है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना तीनों हमारी सिंधी कैसी लग रही है आपको। स्टडी कर रही हैं, हाँ। और ये टैडी जी हैं जो पीहू के कपड़े पहन के बैठ गए हैं, गुस्से में बैठे हैं। पीहू शैम्पू करना है। देखो हमारे घर में आज पूरी अच्छे से सफाई हो रही है, संडे है, पूरे घर की अच्छे से सफाई करी हूँ। नवीन है नहीं, नवीन चले गए हैं और पीहू नहाने चली, और मैंने खाना बना लिया है। अब सोच रही हूँ कि आज घर पे हूँ तो अच्छे से सफाई कर लूँ घर की, तो पूरा घर कबाड़ा पड़ा है, सब सफाई करनी, बिकॉज क्या है ना, संडे भी था, फिर नहाना पूजा मेहंदी लगाना हो गया था, तो बज गया मेरे को 10। ये मैडम लोग आज यहाँ बैठी हैं, तो चलती हूँ मैं घर की सफाई करनी। अब डायरेक्ट आप मिलती हूँ, पूरा काम बाल वाल धोने के बाद ही मिलती हूँ मैं। पानी टपक रहा है इस पे से पूरा, मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया था, लिक्विड ज़्यादा हो गया था वो। चलो मिलती हूँ काम करने के लिए। मेरा काम ख़त्म हो गया और अभी हो रहे 3:30 पे जाके आज मेरा काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज संडे था ना, तो घर के बहुत सारे काम पड़े हुए थे जो पेंडिंग थे, तो कंप्लीट किया मैंने। और अभी जस्ट मैंने बाल भी धोया, शैम्पू नहीं किया, सिर्फ पानी से धोया, अभी फिर मस्टर्ड ऑयल लगाऊंगी, इसके बाद से मैं शैम्पू कल या परसों करूँगी। बालकनी में आ गई, बालकनी में हमारे टिंगू पिंगू हमारे हैं, तो और पीहू से मैं बोली हूँ ग्रीन टी बना के दे, क्योंकि ना एक्चुअली यहाँ पर नासिक का क्लाइमेट ना बहुत ज़्यादा, आज धूप नहीं हुई, ठंड तो नहीं थी, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शायद मैं इतने देरों से, इतने टाइम से मैंने मेहंदी लगा कर रखा है ना, सो इसकी वजह से लग रहा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, तो मैंने बोला ग्रीन टी जल्दी फटाफट बनाओ। और आज मैंने खाना ही नहीं बनाया, पीहू ने दही चूड़ा खा लिया, नवीन थे नहीं, और मुझे रात की लिट्टी बची हुई थी तो मैंने पूजा करके वो खाया था, लेकिन अभी नहीं खाऊँ, क्योंकि जब मैं लिट्टी खाती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से लिट्टी, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, तो ग्रीन टी बनाती हूँ और एक दो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि टाइम और दिन मिलता नहीं है, तो एक दो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ एंड मिलती हूँ आपको चाय की बात, या चाय बना रही हूँ। तब ये मेरी मैडम लेकर आ गई ग्रीन टी, थैंक यू सो मच बच्चा, वेलकम, यहाँ पर ड्रेसिंग पे रख दीजिए।
ये मेरी फोटो कैसी लगती है आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं देखूंगी, मैं थोड़ी ड्राइंग बनाऊंगी। ओके गो, बाय बाय। ये मेरे लड्डू गोपाल। तो फाइनली गाइस पी हो गई है खेलने और मैं अभी अच्छे से फ्री हो गई। अच्छे से तो नहीं बट हाँ फ्री हो गई मैं अभी। चाय बनाना है, नवीन आएंगे फिर चाय बनेगी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं और रात को देखते हैं क्या बनाते हैं। एक्चुअली आज तो मैंने बोला सब्जी और रोटी, सब्जी रोटी ही बनेगा। और कुछ मैंने पार्सल मंगाया है जो मेरा कल आएगा तो उसको मैं दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। कल मतलब कल करूंगी तो परसों वो वीडियो अपलोड हो गया। सो परसों ब्लॉगिंग करूंगी, कल करूंगी ब्लॉगिंग। आई थिंक कल आ जाएगा, नोटिफिकेशन तो आ गया कि आज या कल तक आ जाएगा वो। सो देखती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ चाय बिकॉज आपको पता है नवीन आने वाले हैं, आएंगे 10 बजे रात तक, तो आप उनका वेट कर रही थी बट वो आए हैं, उनका फोन आया, वो लेट आएंगे। सो मैंने बोला चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं चाय बनाने लगी। पीती पीने का मन तो नहीं लेकिन ऐसे आज कैसे थोड़ा सा आराम तो नहीं किया मैंने। कपड़े जो पड़े हुए थे सारे फोल्ड किए, फिर से मशीन चलाया, मशीन में जो भी कपड़े थे, अभी एक बार और मशीन चलाना है नवीन आ जाए, उनके भी कपड़े डाल के मैं मशीन में डालूंगी क्योंकि बहुत 2 बार आज मशीन चल चुका मेरा। मेरी चाय बन गई और मैं चाय और रोटी, रात की रोटी है। आपने बोलो कितनी बार बताया, बाबा बोले काल हो गई मुझे। हेलो गाइस, मेरी सब्जी बन गई है और आपको जैसे बताया था आलू और गोभी की सब्जी भी बनाऊंगी। ये आलू और गोभी की सब्जी बन रही है एंड नवीन भी आ गया, पीओ को पढ़ा रहे ऊपर, तब मैं नीचे का काम कंप्लीट कर रही थी। फिर मैं जाती हूँ, सब्जी बन गई है मेरी और ऑलमोस्ट बन गई है, थोड़ा बहुत बाकी बन जाएगा, 5 मिनट में बन जाएगा। और ये मैंने आटा भी गूंथ के रख लिया है, आटा भी गूंथ के रख लिया, सब्जी बन गई है। सिर्फ फटाफट रायता बनाऊंगी, वैसे तो खीर पड़ी हुई, रायता बनाऊंगी और खाने बैठ जाएंगे क्योंकि दिन में अच्छे से लिट्टी चाय तो भी खाया था लेकिन 10 बजे तक बैठ जाएंगे खाने। सो देखती हूँ ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे नवीन आ गए हैं, हम देख सकते हो प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन प्रवचन सुन रहे हैं। और यहाँ पे हमारी अभी से खुद भी कथा सुनिए और जिस तरीके से अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने और कल मेरी जो ब्लॉगिंग रहेगी, मेरा पार्सल आ चुका है। सो तो कल जो मेरी ब्लॉगिंग रहेगी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगवाया है। सो प्लीज़ कमेंट में बताना आप मुझे, ठीक है देखने के बाद ही बताना बट मैं आज ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। सो क्यों टच नहीं करते बेटा, हैंड वॉश कर लेना। ये देखो इलाड इसको हो रहा है, देखो ये देखो ये देखो, चलो हैंड वॉश करके आओ। चलो आ जाओ, वो निकल गए वॉकिंग के लिए। काफी हमारा पीछा कर रहा है, काफी हमारा पीछा कर रहा है, देखो देखो ये हमारे पीछे पीछे चलता है, मेरे का भी ढूंढने का है, आगे हमारे साथ साथ ही चलेगा ये। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, चलता रहे पूंछ ही नहीं लागे। क्या रे कदफी, आज मेरा कान ना बोलेगा गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट सोजा मेरा बच्चा, गुड नाइट गुड नाइट।